एक और जलती हुई ट्रेन जो शासन प्रशासन की लाचारगी को दर्शा रही है और यहां पर भी आगजनी की गई है। दानापुर बिहार, यहां पर स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई है। हमारे संवाददाता ने अब से थोड़ी देर पहले हमें तमाम जानकारियां दी, जिसने बताया कि यहां पर तो रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। जलती हुई ट्रेन जो है वो यहां पर नजर आ रही है और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से एक खड़ी हुई ट्रेन थी जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये ट्रेन, सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं जरा दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे वो जलती हुई ट्रेन शासन प्रशासन की लाचारगी और अग्निवीरों की हिंसा या कहें उस भावना को दर्शा रही है जिसमें वो देश की संपत्तियों को आग लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो स्थिति है यहाँ पर, और देखिए किस तरह से धू धू कर, ये फरक्का एक्सप्रेस है और जो कि मालदा से चलकर नई दिल्ली जाती है, सुबह 5:40 से ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और लगातार जो आरपीएफ के जवान हों या फिर जीआरपी के हैं वो लगातार इस ट्रेन को जलने से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। जो अगली पक्ष इस ट्रेन के खिलाफ है वो इसको आग लगाने में कामयाब रहा। ये एक और इस तरह का उदाहरण है बिहार में। वैसे तो कई ट्रेनों में आग लगाई गई है, समस्तीपुर में आज आग लगाई गई, लखीसराय के 2 ट्रेनों में आग लगाई गई, तमाम जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। सासाराम में टोल प्लाजा में आग लगा दी गई, लेकिन दानापुर जो कि पटना से बिल्कुल करीब है, जो कि राजधानी के बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर इस तरह की घटना, जबकि ये मालूम था कि दानापुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की पुलिस की यहां पर तैनात थी, बावजूद इसके कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। और आप देख रहे हैं जो नजारा है, ये पूरी तरह से ये बोगी जल चुका है। यहाँ पर इंजन को अलग काट कर जरूर कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही, एक बार हम वो सुनवाते हैं फिर लौटते हैं आपके पास। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम फॉर एनरोलमेंट इन द आर्म फोर्सेस। द एज ब्रैकेट फॉर द स्कीम इज 17.5 to 21 ईयर्स। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द अपर एज लिमिट फॉर द फर्स्ट इंडक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 23 ईयर्स ऑफ एज। दिस चेंज वुड परमिट a larger section of the youth to enroll as Agniveers. I am also glad to inform that the selection process for the Air Force will start from 24th June. Jai Hind. तो अग्निपथ स्कीम को लेकर तमाम महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं जो हम आपको सुनवा रहे हैं, लगातार सेना के अधिकारी, रक्षा मंत्री, सरकार और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि उनके समझाने का यहां पर कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, अग्निपथ पर ऐसा आक्रोश कि शहर शहर रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। दानापुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर ये कहा जा रहा है कि पहले से जानकारियां थी कि आज यहां पर कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है। अग्निपथ का ट्रैक जो है उससे ट्रेन में आगजनी की गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समस्तीपुर, लखीसराय, आरा, बेगूसराय, बलिया, सिकंदराबाद, तो ज्यादातर तस्वीरें जो हैं वो बिहार से हैं और बिहार वो राज्य है जहां पर दूसरे नंबर पर सेना में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या है। लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं और बड़ी बात की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। छात्रों की जो बात है वो जायज है, अगर आपको कोई समस्या है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है और इस बात को छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि विरोध और हिंसा, इन दोनों में फर्क होता है। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, और आप हिंसा करेंगे तो फिर आपको छात्र की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता है।